नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका किसान दोस्त और आप देख रहे हैं खेती खजाना। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फरवरी मार्च में लगने वाली 10 सब्जियों की बुवाई से अच्छा मुनाफा आप कमा सकते हैं, कैसे कमा सकते हैं और कौन कौन सी वो 10 फसलें या सब्जियां हैं जिन्हें आप लगाकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में हम पूरा आज हम इसी विषय में बात करने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाल सब्सक्राइब बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी ज़रूर बजाइएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, सभी जानते हैं कि फरवरी महीने में जायद की फसलों की बुआई का समय शुरू हो जाता है जो कि मार्च तक होती है। तो आज हम ऐसी ही जायद की 10 फसलों या सब्जियों की बात कर रहे हैं जिन्हें फरवरी महीने में आप लगाकर काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले आता है खीरे की फसल। खीरे की जो सब्जी होती है, खीरे की खेती के लिए खेत में क्यारियाँ बनाना है आपको। इसकी बुआई लाइन में ही करें, लाइन से लाइन की दूरी आप 1.5 मीटर मतलब आपको 1.5 मीटर रखें और पौधे से पौधे की जो दूरी है वो 1 मीटर होनी चाहिए। बुआई के बाद 20 से 25 दिन बाद निराई गुड़ाई आप कर सकते हैं और करना चाहिए। खेत में सफाई रखें और तापमान अगर जब बढ़ता है गर्मियों में तो हर सप्ताह हल्की सिंचाई उसे करें। खेत से खरपतवार हटाते रहें तो आपको खीरे की फसल से काफ़ी अच्छा मुनाफा होगा। और आप सभी जानते हैं दोस्तों कि खीरे का प्रयोग जो है हम सब्जी के रूप में भी करते हैं, सलाद के रूप में भी करते हैं। तो इसी तरह से खीरे का जो प्रोडक्शन है अगर आप करते हैं तो काफ़ी अच्छा आपका उत्पादन होने के बाद आप अच्छा मुनाफा उसमें कमा सकते हैं। दूसरी फसल आती है दोस्तों ककड़ी की। ककड़ी की बुआई के लिए एक उपयुक्त समय फरवरी से मार्च ही होता है, लेकिन अगर आप अगेती फसल लेने के लिए पॉलीथीन की थैलियों में बीज भरकर उसकी रोपाई करते हैं तो जनवरी में भी आप इसकी कर सकते हैं बुआई। इसके लिए एक एकड़ भूमि में 1 किलोग्राम बीज की ज़रूरत होती है। इसे लगभग हर तरह की ज़मीन में उगाया जा सकता है। भूमि की तैयारी के समय गोबर की खाद डालें, खेत की 3 से 4 बार जुताई करके आप अच्छे से सुहागा कर लगा लें। ककड़ी की बिजाई 2 मीटर चौड़ी क्यारियों में नाली के किनारों पर करनी चाहिए। पौधे से पौधे का जो अंतर है वो 60 सेंटीमीटर रखें। एक जगह पर 2-3 बीज बोएं ताकि अगर मान लीजिए कभी कोई बीज नहीं उग पाता है तो एक बीज उग जाएगा तो भी आपको अच्छा उत्पादन मिल जाएगा। बाद में एक स्थान पर एक ही पौधा रखें। अगर आप पॉलीथीन में बो रहे हैं तो 2-3 बीज डालेंगे, अगर 2-3 बीज अगर पैदा हो जाते हैं तो आप उसे एक एक करके उसे रिप्लेस कर देंगे। तीसरी फसल होती है दोस्तों करेला। आप सभी जानते हैं करेला जो होता है हल्की दोमट मिट्टी करेले की खेती के लिए अच्छी होती है। करेले की बुवाई 2 तरीके से की जाती है, बीज से और पौधे से। करेले की खेती के लिए 2 से 3 बीज 2.5 से 5 मीटर की दूरी पर बोने, मतलब 2.5 से 5 मीटर की दूरी पर बोने हैं आपको। बीज को बोने से पहले 24 घंटे तक पानी में भिगो लेना है, इससे अंकुरण जल्दी और अच्छा होता है। नदियों के किनारे की ज़मीन करेले की खेती के लिए बहुत बढ़िया होती है। कुछ अम्लीय भूमि में इसकी खेती की जा सकती है। पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें, इसके बाद 2-3 बार हैरो या कल्टीवेटर चलाएं। इसमें दोस्तों करेला जो होता है वो आपको अच्छी आमदनी दे सकता है अगर आप इस तरह से खेती करते हैं। उसके अलावा चौथी फसल होती है, सब्जी होती है दोस्तों लौकी की। लौकी की खेती हर तरह की मिट्टी में हो जाती है, लेकिन दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे अच्छी होती है। लौकी की खेती के लिए 1 हेक्टेयर में 4.5 किलोग्राम प्रति बीज की ज़रूरत पड़ती है आपको। बीज को खेत में बोने से पहले 24 घंटे पानी में भिगोना है और उस पर टाट से बांधकर रखना है। मतलब आप अगर उसको भिगोकर बोरी के जो टाट होते हैं उसमें भर के रख देंगे तो वो अच्छे से अंकुरण करेंगे। करेले की तरह लौकी में भी ऐसा करने से बीजों का अंकुरण जल्दी होता है। लौकी के बीजों के लिए 2.5 से 3.5 मीटर की दूरी पर 50 सेंटीमीटर चौड़ी व 20 से 25 सेंटीमीटर गहरी नालियाँ बनानी है आपको। इन नालियों के दोनों किनारे पर गर्मी में 60 से 75 सेंटीमीटर के फासले पर बीजों की बुवाई करना है आपको। एक जगह पर 2 से 3 बीज डाल देवे, 4 सेंटीमीटर की गहराई पर आप इसे डालेंगे तो ये अच्छा जल्दी उग जाएगा और इसमें उत्पादन की मात्रा काफ़ी अच्छी रहती है। दोस्तों आपको पता होगा अगर आप लौकी लगाते हैं और अच्छे से आप उसका मैनेजमेंट करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा उत्पादन होता है और ये अच्छा मुनाफा आपको देगी। पांचवी फसल होती है भिंडी की। भिंडी की अगेती किस्म की बुआई फरवरी से मार्च के बीच में कर सकते हैं। इसकी खेती हर तरह की मिट्टी में हो जाती है। भिंडी की खेती के लिए खेत को
दो तीन बार जुताई कर मिट्टी को भुरभुरा करना है आपको। फिर पाटा चला देना है और उसे एक जैसा समतल बना लेना है आपको। बुवाई कतारों में करनी है। कतार से कतार की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर और कतार में पौधे के बीच की जो दूरी रहेगी वो 15 से 20 सेंटीमीटर रखनी है। बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई करना है आपको, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। खरपतवार नियंत्रण के लिए रासायनिक का प्रयोग भी किया जा सकता है, लेकिन दोस्तों खरपतवार नियंत्रण में रासायनिक जो प्रयोग करते हैं उसका प्रयोग काफ़ी कम करना है आपको। ठीक है दोस्तों, आप हाथ से ही निराई गुड़ाई करें वो ज़्यादा बेहतर होगा। अब बात करते हैं दोस्तों छठी फसल तोरई की। तोरई की जो सब्जी होती है आप सभी जानते हैं, ये भी बहुत सारी प्रकार की मिट्टी में पैदा हो जाती है। नॉर्मली जो नदियों के किनारे वाली भूमि होती है वो काफ़ी उपजाऊ होती है, इसलिए वहाँ पर इसकी खेती करना बहुत ही फायदेमंद होता है। इसकी बुआई से पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से, उसके बाद में दो तीन बार हैरो कल्टीवेटर चला के करना है। खेत की तैयारी में मिट्टी भुरभुरी करना है। तरोई में निराई ज़्यादा करनी पड़ती है, इसके लिए कतार से कतार की दूरी 1 से 1.5 मीटर और पौधे से पौधे की दूरी 1 मीटर होना चाहिए। एक जगह पर बीज बोने चाहिए। बीज को ज़्यादा गहराई में नहीं लगाना है, इससे अंकुरण में काफ़ी फर्क पड़ जाता है। 1 हेक्टेयर ज़मीन में 4 से 5 किलोग्राम बीज लगता है इसमें दोस्तों। तो अगर आप तरोई की खेती करते हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो आप तरोई की खेती के लिए 4 से 5 किलोग्राम बीज का प्रयोग कर सकते हैं। प्रति हेक्टेयर इसका बीज लगता है और इसमें बिजाई के लिए अंकुरण अच्छे से हो इसके लिए आप ध्यान रखें कि आप ज़्यादा गहराई में नहीं डालें बीज को। और अगर आप तरोई की खेती करते हैं तो ये आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा दे सकती है। बात करते हैं सातवीं फसल, सातवीं सब्जी की, जो कि है पालक। आप सभी जानते हैं दोस्तों पालक की सब्जी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त है आयरन के लिए बोला जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं आयरन की मात्रा भरपूर होती है, तो पालक के लिए बुलई दोमट या मटियार मिट्टी बहुत अच्छी होती है। लेकिन ध्यान रहे कि अम्लीय ज़मीन में पालक की खेती नहीं की जाती है। अगर आपकी ज़मीन एसिटिक है तो आप वहाँ पर इसे नहीं करें। भूमि की तैयारी के लिए मिट्टी को पलेवा करके जब जुताई योग्य हो जाए तब मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करना है। फिर दो तीन बार पावर हैरो या कल्टीवेटर चलाकर भुरभुरा बना लेना है। साथ ही पाटा भी चला लें ताकि जो जगह है, जो भूमि है वो समतल हो जाए। पालक की खेती के लिए 1 हेक्टेयर में 25 से 30 किलोग्राम बीज की ज़रूरत पड़ती है। बुवाई के लिए कतार से कतार की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर रखना है। पालक के बीज 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई पर बोना है, इससे अधिक गहरी बुवाई नहीं करनी है आपको, ज़्यादा गहरा नहीं डालना है। फिर बात करते हैं दोस्तों आठवीं सब्जी या फसल की, जो है अरबी की फसल। अरबी की खेती रेतीली दोमट मिट्टी में अच्छी तरह से होती है। इसके लिए ज़मीन गहरी होनी चाहिए जिससे इसके कंदों का समुचित विकास हो सके। अरबी की खेती के लिए समतल क्यारे बनाना है। इसके लिए कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर व पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसकी गांठों में 6 से 7 सेंटीमीटर की गहराई पर आपको बोना है इनकी गांठों को, ताकि ये अच्छे से अंकुरण कर सके। नौवीं फसल है दोस्तों बैंगन की सब्जी। इसकी नर्सरी फरवरी में तैयार की जाती है और बुवाई अप्रैल में की जाती है। बैंगन की खेती के लिए अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। नर्सरी में पौधे होने के बाद दूसरा महत्वपूर्ण कार्य होता है खेत को तैयार करना। मिट्टी परीक्षण के बाद खेत में 1 हेक्टेयर के लिए 4 से 5 ट्रॉली पका हुआ गोबर खाद बिखेर देना है। बैंगन की खेती के लिए 2 पौधों और 2 कतारों के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर रखनी है दोस्तों, तो ये काफ़ी अच्छा उत्पादन आपको देने वाला है। दसवीं फसल होती है पेठा। पेठा जो होता है दोस्तों, पेठा कद्दू की खेती के लिए दोमट व बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसके अलावा यह कम एसिटिक मिट्टी जो होती है उसमें भी आसानी से उगाया जा सकता है। पेठे की बुआई से पहले खेतों की अच्छी तरह से जुताई करना है, मिट्टी को भुरभुरा करना है, कल्टीवेटर हैरो चलाना है, पाटे से समतल करना है। इसके लिए 1 हेक्टेयर में 7 से 8 किलो बीज की जरूरत करेंगे आप। लगभग 15 हाथ लंबा एक सीधा लकड़ी का डंडा लेना है। इस डंडे में 2-2 हाथ की दूरी पर फीता बांधकर निशान बना लेना है आपको, जिससे कि लाइन टेढ़ी न बने। 2 हाथ की दूरी पर लंबाई और चौड़ाई के अंतर पर गोबर की खाद का सीधे लाइन में गोबर की खाद गुरवा बनाना है आपको, जिससे पेठे के 7 से 8 बीज गाड़ देने हैं। अगर सभी जम गए तो बाद में 3-4 पौधे छोड़कर सब उखाड़ कर फेंक देना है, या फिर जहां पर आप दूसरी जगह पर नहीं उगाए तो वहां पर उसकी रोपाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये जो फरवरी मार्च में लगने वाली फसलें या सब्जियां हैं, ये 10 फसलें हैं जो आप अभी फरवरी मार्च में लगा सकते हैं और इनसे काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।
दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर करें, और अधिक से अधिक किसान भाइयों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ ताकि सभी को जानकारी मिल सके। और चैनल से जुड़े रहें दोस्तों, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों। जय जवान जय